नमस्कार। और हाल ही में जो अंडर 17 गर्ल्स चैंपियनशिप खत्म हुई है नेशनल, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भैया उसमें बहुत ही है ना शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि वो जीत गई है दादरा और नगर हवेली। तो क्या आपने खुद बताइए कि आपने ऐसा सोचा होगा कि दादरा और नगर हवेली आएगी और अंडर 17 गर्ल्स चैंपियनशिप लेके चली जाएगी? मैंने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो वही सोचा था कि होगा कोई है ना मणिपुर हो गया, बंगाल हो गया, केरल हो गया, जो ऐसे बड़े नामचीन स्टेट है फुटबॉल में, ऐसा कोई जीतेगा। लेकिन जब टूर्नामेंट में पूरा उलटफेर हो गया कि भैया वो तो दादरा और नगर हवेली लेके चली गई ट्रॉफी घर, तो मतलब दादरा और नगर हवेली में क्या फुटबॉल के लिए काम चल रहा है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए कैसे उनको डेवलप किया जा रहा है, इसके बारे में बिल्कुल हम किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बात करने का विषय है, तो उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे जो अंडर 17 गर्ल्स चैंपियनशिप हुई है इसके बारे में, और इसमें कैसे क्या हुआ, हर टीम्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एक थोड़ा सा एक पर्सनल चीज बोलना चाहूंगा। जो मैं मैच देख रहा था, तो मतलब लाइव स्ट्रीमिंग जो चलती है ना मैचेस की, इंडिया अंडर 17 के मैचेस जो चल रहे हैं उसकी भी, अभी जो नेशनल चैंपियनशिप हुई इसकी भी, तो इसमें मैंने कुछ देखा, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो वो मैं बाद में बोलूंगा, पहले हम अंडर 17 गर्ल्स चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, आपको भी जैसे पता है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो ग्रुप्स डिवाइड हुए थे, और हर ग्रुप की एक टॉप टीम वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली थी। तो हम हर ग्रुप की डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं पहले। तो ग्रुप ए में अगर आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश थी। अब इसमें आपको पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रही होगी मणिपुर से, उसके बाद झारखंड से, कि हाँ इन दोनों में से कोई टीम एक निकलेगी, जो कि वैसा ही हुआ लगभग, है ना। मणिपुर निकली और झारखंड से हम कंपटीशन की उम्मीद बिल्कुल करते हैं हमेशा, क्योंकि झारखंड में गर्ल्स फुटबॉल भी देखेंगे तो बहुत अच्छी वहाँ की। और उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा लेवल लो है, आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल गया गुजरी है ना, उत्तराखंड में भी धीरे धीरे आ रहा है। तो मणिपुर इससे क्वालिफाई हुई, जो कि आप बोल सकते हैं कि लोगों ने सोचा भी होगा कि मणिपुर यहाँ से निकलेगी। तो ग्रुप बी में अगर नजर डालें तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मिजोरम का आप जब नाम लेते हैं तो आप देखते हैं कि मिजोरम में तो काफ़ी फुटबॉल है ना बढ़ चढ़ के, वहाँ के प्लेयर्स भी आ रहे हैं और वहाँ पर लीग्स वगैरह बिल्कुल प्रोफेशनली टाइप का काम होता है। लेकिन फिर भी आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में फुटबॉल है बहुत, लेकिन उतना प्रोफेशनली नहीं, उतना स्ट्रक्चरल नहीं है कि हाँ एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कुछ अच्छा मिल जाएगा। फिर भी आप देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ से क्वालिफाई करती है, तो ये भैया बहुत काबिल तारीफ बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और कर्नाटक में भी आप देखिए, कर्नाटक में इतना फुटबॉल है भैया, भले हर जगह नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा है ना एरियाज डिवाइडेड है कि यहाँ यहाँ अच्छा अच्छा फुटबॉल है, बाकी पूरे कर्नाटक में देखेंगे तो गर्ल्स के लिए खासकर बोल रहा हूँ, मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स के लिए तो उतना खास नहीं मिलता है वहाँ पर। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे देखिए इतने ISL क्लब्स है ये सब है, फिर भी आप देखिए कर्नाटक का ऐसा परफॉर्मेंस, तो ये उम्मीद से थोड़ा सा कमजोर बात हो गई। और उत्तर प्रदेश का तो भैया हाल बेहाल है, किसी भी लेवल में आप देखें कोई मतलब की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो संघ है उसको तो पूरे के पूरे को निकाल के नया पूरा संघ चुनना पड़ेगा तो कुछ अच्छा हो पाएगा, वरना तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। तो इसमें से छत्तीसगढ़ क्वालिफाई करी ग्रुप बी में से। फिर ग्रुप सी में जाएंगे तो बिहार, दिल्ली, मेघालय, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अब भैया मध्य प्रदेश से तो कोई उम्मीद रखना भी नहीं चाहिए, रखते भी नहीं अपन, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से भी कोई, तेलंगाना का सबसे बेड़ा गर्क है, तेलंगाना में कुछ भी नहीं है ना। ISL क्लब हुआ है वहाँ पे, आई लीग का क्लब है वहाँ पे, सेकंड डिवीजन आई लीग क्लब भी था पहले, इतना सब होने के बाद वहाँ के फुटबॉल देखो ये फिसड्डी, 0 पॉइंट, कोई मतलब की बात है ना, बिल्कुल बेड़ा घर कचरा काम चलता है। और मध्य प्रदेश का तो भैया मध्य प्रदेश का भी हाल बेहाल है, इसके बारे में तो हम काफ़ी बात पहले भी कर ही चुके हैं। मेघालय तो देखेंगे तो मेघालय से थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर सकते थे, लेकिन अब मेघालय ने उतना खास परफॉर्म नहीं किया। अब एक और बात है इसमें मैं बात बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के नाम में सब सोचते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की टीम अच्छी ही होती है, तो देखिए ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी वही बात है कि बस वहाँ की कुछ टीम्स ही अच्छी है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में हर स्टेट बेचारा सोचता है कि है ना कि नॉर्थ ईस्ट से टीम आ रही मतलब अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ ही स्टेट है भी है जो अच्छे, बाकी हर जगह डेवलपमेंट की जरूरत वहाँ पे भी है। और दिल्ली तो देखिए, दिल्ली तो राजधानी है और दिल्ली में गर्ल्स फुटबॉल के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काम चल रहा है, तो बिल्कुल जो उन्होंने रिजल्ट दिया वो मान सकते कि हाँ अच्छा। लेकिन बिहार ने किया ग्रुप सी से क्वालिफायर। बिहार के बारे में बात बोलना चाहूँगा, देखिए भैया बिहार में जो लड़कियाँ हैं ना, अब दिल्ली में भाई काफ़ी मॉडर्न है, पेरेंट्स को भी काफ़ी समझता है, पेरेंट्स झिझकते भी नहीं है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए काफ़ी। मेघालय में स्पोर्ट्स का कल्चर बना हुआ है, ये सब चीज़ें। लेकिन जब बिहार की बात आती है आपको पता है कि भाई बिहार है ना, वहाँ पर लड़कियों को ताने मारे जाते हैं,
है ना, बहुत सारी चीज़ें सहना पड़ता है उनके, बहुत पुअर फैमिलीज से आती लड़कियाँ, इसके बावजूद बड़ा सपना लेके आती है। अब देखिए बिहार को क्वालिफाई करवाया उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए। अब एक और चीज़ मैं इसके ऊपर ये बोलना चाहूँगा, आप देखिए बिहार की जो जनता है, मतलब वहाँ पे आप देखिए IAS पढ़ाई वढ़ाई के मामले में इतने निकल के आते हैं, तो उनको सुविधाएं मिल पाती है वैसी। अब आप सोचिए अगर स्पोर्ट्स के लिए वैसी सुविधाएं दे दे कि लड़कियों को, लड़कों को फुटबॉल के लिए या जो भी अदर स्पोर्ट्स के लिए, आप सोचिए क्या वो करके नहीं आएंगे। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, मेरा जो घर बनाया उसमें बिहारी वर्कर्स थे, ठीक है, तो उन वर्कर्स ने इतना शानदार काम किया, मतलब एक एक चीज इतना दिल्लगी से करते थे, तो उससे ऐसा लगता था कि यार इनको इतना पैसा देना क्यों, इतना पैसा डिजर्व करते हैं, इतनी मजदूरी जो मांगते हैं क्यों मांगते हैं, वो भाई वैसा काम करके देते इतने न लगन से, डेडिकेशन से, वो उतना दिखता है। तो इससे बात समझ में आती है कि बिहारी भैया सौ पे भारी है, सब पे भारी, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर भाई उनको सही चीज दी जाए ना वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ना काम करने, क्योंकि मैंने एक चीज देखी बिहारी लोगों के अंदर कि वो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, ये चीज मैंने देखी, तो वो चीज जो है ना वो चाहिए। तो अगर आप सोचिए बिहार की लड़कियां जो इतना बढ़ चढ़ के आगे निकल रही है, सपोर्ट थोड़ा सा दे दीजिए, फैसिलिटीज दे दीजिए, फिर देखिए मजा देखिए ना भैया, खेल का मजा तब आता है ना जब फैसिलिटी बराबरी का इक्वल दो सबको, फिर देखो खेल का मजा। अभी आप बोले नॉर्थ ईस्ट में अच्छा कर देंगे, बंगाल में अच्छा कर देंगे, केरल में अच्छा कर देंगे, लेकिन बिहार को छोड़ देंगे, तो फिर सही बात नहीं है। तो बिहार को दो, बिहार डिजर्व करता है ये, इसमें आप देख लो है ना क्यों डिजर्व करता है बिहार, कि उनको अगर दोगे तो आप पाओगे फल। और तो ग्रुप सी से बिहार ने किया क्वालिफाई, फिर ग्रुप डी पे चलते हैं, तो ग्रुप डी में भी देखिए अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम और गोवा। अब इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि यार गोवा को निकलना था, तो गोवा तो सबसे फिसड्डी रहेगी है ना, तो अब ये है क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जिनके पास सब कुछ होता है उनके, उनको वो चीज़ का यूज़ करते नहीं आता, ये बहुत पुरानी एक समस्या है। तो गोवा रही फिसड्डी और अरुणाचल, अब अरुणाचल में भी है भैया देखिए अरुणाचल में फुटबॉल जो है बहुत है, लेकिन उनका प्रोफेशनली स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अरुणाचल की लड़कियों ने भैया अच्छा खेल दिखाया है, ग्रुप टॉप किया है। और हिमाचल और सिक्किम में भी काफ़ी अच्छा फुटबॉल है, लेकिन शायद बॉयज़ के लिए ज़्यादा बेटर फुटबॉल है वहाँ पे। बाकी सिक्किम की भैया अंजू तमंग को देख सकते हैं, अच्छी खेलती है और इतना नाम भी कर रही है। सिक्किम में वैसे फुटबॉल है, लेकिन हिमाचल की भी फुटबॉल, जैसे गर्ल्स की फुटबॉल है, गर्ल्स पे थोड़ा सा काम वहाँ पे कर रहे हैं, हिमाचल में ऐसे इंप्रूव कर रहे हैं है ना, हिमाचल लीग वगैरह भी चालू हुई है बॉयज़ की भी गर्ल्स की भी, तो हिमाचल में जो कार्य चल रहा है उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे वहाँ की फुटबॉल इंप्रूव हो रही है। और अरुणाचल की तो फुटबॉल अच्छी खासी है, बस वहाँ पे थोड़ा सिस्टम की ज़रूरत है, और सिक्किम थोड़ा सा और बेहतर कर सकता था, बाकी अरुणाचल ने क्वालिफाई किया। फिर ग्रुप ई की बात करें तो केरल, पंजाब, नागालैंड, लद्दाख। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है दो टफ टीम आपके दिमाग में आएगी, केरल, पंजाब, तो इसमें से किसी एक को क्वालिफाई करने का आपके दिमाग में आएगा, तो केरल ने क्वालिफाई कर लिया। अब इसमें एक चीज़ जैसे लद्दाख को, तो देखिए लद्दाख वैसी नई नई टीम है, तो उनका अभी ऐसी समझे कि पार्टिसिपेशन है तो ठीक है, उनके लिए ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं। लेकिन नागालैंड, तो नागालैंड के लिए मैंने वही बात बोली कि नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में वो ना गेहूं में घुन पिस जाता, तो नागालैंड में उतना खास फुटबॉल पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट करके चक्कर में वो बेचारे सोचते सब लोग कि नागालैंड भी बहुत अच्छी टीम है, नागालैंड में बहुत फुटबॉल है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में बाकी जो अदर स्टेट वंचित रह जाते हैं उन तक भी फुटबॉल का पूरा चीज़ें जो है पहुँचाई जाए, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मणिपुर नहीं आता है ना, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मिजोरम नहीं आता है, नॉर्थ ईस्ट में सब आते हैं भाई, वो पूरे, तो सबको बराबरी की चीज़ें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से केरल ने क्वालिफाई किया ग्रुप ई से। फिर ग्रुप एफ में चलते तो दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, चंडीगढ़। अब इसमें सबसे एक मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, चंडीगढ़ इतनी मॉडर्न जगह है, इतना है ना चला जिधर देखो उधर BMW, Audi, और इतना मॉडर्न जगह है वो। उसके बाद देखिए जीरो फिसड्डी, एक नंबर का, कोई काम के ना धाम के है ना, तो जितना मॉडर्न बनोगे ना उतना अब क्या बोलूँ मैं। तो चंडीगढ़ में मतलब सुविधाओं की कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे हर चीज़ मिल सकती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए चंडीगढ़ का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बस आती है मुँह की खा के वापस जाती है। तो जहाँ पर चीज़ें हैं वहाँ पर लोग करना नहीं चाहते, और जहाँ नहीं है वहाँ पे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको मिलता ही नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है देश में भैया, और देश की समस्या को वही इंसान समझ सकता है जो खुद समस्याओं से निकल के टॉप पे पहुँचा हो। फिर उसके बाद त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की वही बात आती है, नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में सब पिसते बेचारे त्रिपुरा में, करके नहीं देते काम है ना, और त्रिपुरा से आप एक्सपेक्ट करोगे कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अच्छा खेल ले तो कैसे होगा। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उड़ीसा से और बेटर परफॉर्मेंस की बाकी, लेकिन अब ये बात है महाराष्ट्र की टीम भी भैया बहुत अच्छा काम कर रही है, तो महाराष्ट्र की भी तारीफ होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक हैरानी की बात आएगी कि दादरा और नगर हवेली
ग्रुप टॉप करके निकलती आगे। तो जो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, मैंने सोचा था इसमें से महाराष्ट्र या उड़ीसा निकलेगी, पर निकल की दादरा हवेली। तो मतलब हमारे मुंह पे सीधे तमाचा मार दिया कि भैया डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो ये तमाचा मार दिया हमारे मुंह पे दादरा और नगर हवेली ने, जितने मुझ पे या मेरे जैसे जितने उन्हें सोचा होगा कि दादरा और नगर हवेली तो सबसे नीचे जाएगी। तो मतलब क्या बोले, है ना, दादरा नगर हवेली ने एक कारनामा करके दिखाया और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि दादरा नगर हवेली कैसे इम्प्रूवमेंट कर पा रही है। फिर उसके बाद ग्रुप जी पे जाते हैं तो हरियाणा, गुजरात, असम, पौंडीचेरी। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है आपके दिमाग में हरियाणा का नाम, क्योंकि देखिए हरियाणा जो है ग्रुप क्वालिफाई किया, हरियाणा में स्पोर्ट्स के मामले में हरियाणा को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हर खेल में निकल के आगे आता है। गुजरात में काफ़ी इंप्रूवमेंट चल रहा है गर्ल्स फुटबॉल के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी हो रहा है धीरे धीरे। तो गुजरात से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वर्षों में बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और असम की फिर वही बात आती है, वहाँ पे भैया ISL का क्लब है, ये है फलाना ढिमका है, लेकिन टीम क्यों नहीं खेल पा रही है, क्योंकि भैया नीचे तक तो आप चीज़ें नहीं पहुँचा रहे ना, बस ऊपर ISL का क्लब बना दिया। मैं हमेशा वही चीज़ बोलता हूँ, ऊपर ऊपर दिखाने से ना ऊपर की सजावट से कुछ नहीं होगा, अंदर की सजावट चाहिए, अंदर गहराई तक। तो गहराई तक ग्रास रूट डेवलपमेंट पे वर्क करो भैया असम में, तो कुछ होगा। ऐसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बनाने से ना वर्ल्ड कप में नहीं चले जाएंगे असम के बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद चलते ग्रुप एच पे, वेस्ट बंगाल हो गई, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अब इसमें स्वाभाविक से बात आपके दिमाग में रहेगा भैया पश्चिम बंगाली तो जाएगी, और कौन हो सकता है। तो वही गई, बाकी तमिलनाडु से थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि तमिलनाडु की फुटबॉल थोड़ी इंप्रूव भी हो रही है और अच्छा खासा करती भी है बाकी। लेकिन वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल है भैया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में तो भैया बहुत काम की ज़रूरत है अभी, है ना, क्योंकि अभी समस्याओं से निकला है बाहर, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा और थोड़ा मेहनत वहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्लब्स व्लब्स है तो थोड़ा सा काम किया जा सकता है गर्ल्स फुटबॉल पे, अगर करना चाहेंगे डेडिकेशन से तो। बाकी राजस्थान में तो क्या बताएं, राजस्थान की तो गवर्नमेंट की तो धज्जियाँ उड़ा चुकी है वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रदेश की। देखते हैं अब राजस्थान फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए तो। तो इस तरीके से जो टीम्स थी ये पहुंची भी है क्वार्टर फाइनल्स में, हर ग्रुप की एक टॉप टीम। फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में क्या रिजल्ट रहा, देखिए मणिपुर बिहार का मैच हुआ, उसमें 3-2 से बिहार ने मणिपुर को हराया। तो देखिए बिहार है ना, बिहारी सब पे भारी। तो देखिए वही चीज़ मैंने बोली ना कि अगर आप बिहार को सुविधा देना तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो और रिजल्ट भी आपको मिलेगा, वहाँ पे मेहनती लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट भी 3-2 से मणिपुर का रहा, क्योंकि मणिपुर की फुटबॉल और बिहार की फुटबॉल का तो कंपैरिजन ही नहीं। मणिपुर में फुटबॉल कहाँ है और बिहार में फुटबॉल कहाँ है, है ना, तो क्या बोले। फिर उसके बाद अरुणाचल छत्तीसगढ़ का मैच, तो अरुणाचल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को हरा दिया अरुणाचल। तो ये दोनों टीम लगभग इक्वली थी और अरुणाचल को भैया बेटर डे रहा अरुणाचल के लिए, तो छत्तीसगढ़ को हरा दिया। उसके बाद अगले क्वार्टर फाइनल्स पे चले तो हरियाणा, वेस्ट बंगाल, जो कि थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा एक मिलेगा आपको कि यार वेस्ट बंगाल हार गई, क्योंकि वेस्ट बंगाल से फुटबॉल के मामले में हारने में भी ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि फुटबॉल में हार जाएगी। तो हरियाणा ने हरा दिया वेस्ट बंगाल को, तो ये अच्छा है। देखिए हमको हर बार अलग अलग विनर्स भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफा, इससे पता चलता है ना कि अदर स्टेट भी काम कर रहे हैं, अदर स्टेट की लड़कियां भी मेहनत कर रही है। फिर उसके बाद केरल और दादरा नगर हवेली, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड, केरल को 4-0 से हराया। केरल में कहाँ फुटबॉल का लेवल है, दादरा नगर हवेली में क्या है, है ना। बाकी वहाँ पे महाराष्ट्र का थोड़ा कनेक्शन मिल जाता है दादरा नगर हवेली में, वो एक बात मानेंगे, लेकिन केरल में फुटबॉल का लेवल क्या है, और आप देखिए क्या हराया है, 4-0, एकदम फुल बेइज्जती। मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि ये कोई मैच है, एक तरफ 4-0 है। तो दादरा नगर हवेली के लिए तो भैया क्या ही बोले, फुल एक पूरी सेपरेट वीडियो लगेगी इसके लिए, बात करने के लिए कि क्या चीज़ है। तो इस तरीके से जो ये टीम्स है, चार टीम्स पहुंचती सेमीफाइनल में। फिर सेमीफाइनल में बिहार और हरियाणा का मैच होता है, तो बिहार ने हरियाणा को पेल दिया 3-1 से, है ना, एकदम नेस्तनाबूद। तो बिहार 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 की बात है ना, बिहार को दो, जिया हो बिहार के लाला, तो दो बिहार को सुविधाएं दो भैया। फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश दादरा नगर हवेली का मैच, तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश को तो 5-0, एकदम है ना कल्टीवेटर घुमा दिया खेत पे, ऐसा लग रहा है एक तरफा ही निपटा ही दिया। फिर इस तरीके से बिहार और दादरा नगर हवेली जो है वो पहुंचती है फाइनल में। और फाइनल अगर आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, फाइनल में भैया मुकाबला काफ़ी रोमांचक था, टक्कर का टाइप का था, और कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमको देखने को मिले, है ना, स्ट्राइकिंग में कुछ, मिड में अच्छे अच्छे प्लेयर्स, कुछ कुछ जो अच्छे पासेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी मज़ेदार मैच भी था और एक गोल भी हो गया था बिहार का, लेकिन वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो गोल मिला नहीं, और लास्ट में कर दिया गोल फिर दादरा नगर हवेली ने। बहुत अच्छा एक है ना थ्रू बॉल निकली, उस पर बहुत अच्छा फिनिश किया, अच्छा गोल किया। तो काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे बिहार को जीतना था, लेकिन देखिए बिहार और दादरा नगर हवेली की बात करें, देखिए दादरा नगर हवेली जो है एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया, उसे बिहार भी फुल डिजर्व करती थी जीतना,
क्योंकि यार देखिए इतनी मेहनत करके वो भी आती है, इतनी परिस्थितियों का सामना करके वहाँ की लड़कियाँ निकल के आती है, खेलती है, तो वो भी डिजर्व करती थी। लेकिन देखिए ये गेम है, गेम में तो भैया जो उस दिन बेटर रहेगा वो जीतेगा, है ना। उसमें वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा आपने कितने साल मेहनत करी, किस परिस्थिति से निकल के आप आए हैं, वहाँ पे तो ये देखा जाएगा ग्राउंड में आपने कितनी मेहनत करी उन 90 मिनट में और वो जीतेगा। तो दादरा नगर हवेली ने वो नेट फाइंड करी और वो जीत गई। तो इस तरीके से दादरा नगर हवेली ने एक वो बताया कि भैया हम भी कर सकते हैं, है ना। टेरिटरीज की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि ये वाले स्टेट्स क्या कर पाएंगे, तो देखिए एक सबूत दिया उन्होंने। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप दादरा नगर हवेली से होंगे, और हम चाहेंगे कि दादरा नगर हवेली की अन्य टीम्स भी, अन्य एज ग्रुप की मेंस वुमेन्स, वो भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करें और भारत को एक थोड़ा सा, है ना, लेवल अप करें। फिर इसके बाद में एक जो पर्सनल बात करना चाहता था, मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि जब मैं मैच देख रहा था तो इंडिया आइसलैंड का भी मैच आ रहा था सेम टाइम पे, और अपना बिहार और दादरा नगर हवेली का जो नेशनल का फाइनल है वो भी आ रहा था। तो जब मैं मैच देख रहा था तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग आपस में कमेंट्स में बातें भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपस में डिस्कशन करना चाहिए एक दूसरे से, है ना, अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहिए, अच्छी बात है। तो उसमें जैसे कुछ जो अपने रहते हैं अपने भारतीय फैंस वो कमेंट करते हैं, अरे टीम तो बहुत बेकार है, टीम क्या बेकार खेल रही है, ये क्या जीतेगी। चलिए इन कमेंट्स को मानते हैं या बोल सकते हैं कि ना वुमेन्स, जो वुमेन्स फुटबॉल है उसका गेम प्ले जो है वो उतना अच्छा नहीं दिखता कंपेयर टू बॉयज़, है ना, थोड़ा सा वीक गेम प्ले दिखता है, बिल्डअप थोड़ा सा कमजोर दिखता है। क्योंकि देखिए अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं ना एकदम से यूएसए जैसा खेलने लग जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। वो चीज़ को मान सकते हैं कि आप अपना क्रिटिसाइज कर सकते हैं ना, क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है, आलोचना नहीं करोगे तो टीम मोटिवेट कैसे होंगी, है ना। आलोचनाओं को मोटिवेशन में बदलने वाला ही तो इस असली खिलाड़ी होता है। तो आपने क्रिटिसाइज किया वो सब ठीक है, चलता है, बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए क्योंकि क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में पुश करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कुछ हराम ज्यादा बोलूंगा उनको, वो कमेंट्स क्या करते हैं, वो जो 17 साल की लड़की खेल रही है उसमें इंडिया टीम के लिए, उसके ऊपर कमेंट, उसकी बॉडी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसके लुक्स पे कमेंट कर रहे हैं। ये हरामजादों के लिए मेरा एक बहुत एक संदेश है, और अगर आप ऐसे लोगों को जानते होंगे उन तक मेरा संदेश पहुंचाना, और आपको पर्सनली मिले तो दो तमाशे लगाना और, है ना, दो तीन डंडे अलग मारना सालों को। वो कमेंट्स करते थे, वो मैंने देखा, अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है आप जाइए इंडिया आइसलैंड या कोई भी मैच आप पकड़िए उसमें स्क्रॉल करिएगा कमेंट्स में, तो आपको ऐसी भद्दी कमेंट्स मिलेगी एकदम जाहिलों वाली, उनकी पर्सनल उनकी बॉडी और उस पर कमेंट करते हैं कमीने उन्हें, ना, और अपने आप को फुटबॉल का फैन बोलते हैं और बड़ा टाइम निकाल के फुटबॉल मैच देखने आते हैं। अबे कलंक हो बे तुम, है ना, अपनी माँ और बहन के लिए सेम कमेंट कर सकते हो, सुन सकते हो। एक वो बहुत पुरानी चीज बोली जाती है कि जो तुम अपने लिए सुन सकते हो ना वही दूसरों के लिए बोलना, अगर औकात नहीं है अपने लिए सुनने की तो दूसरे के लिए बोलने का तो सोचना भी नहीं, है ना। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो कमीने कुत्ते हैं ये भैया, वो आपको पता है इंडिया टीम में सिलेक्ट होने के लिए क्या लगता है, इंडिया टीम से खेलने के लिए क्या लगता है पता है आपको? आप उनके गेम प्ले पे बोलो ना कि हाँ अच्छा पास नहीं कर रही, ड्रिबल अच्छा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अबे तुम्हारी क्या औकात है उसकी बॉडी लैंग्वेज है कुछ उसके ऊपर बोलने की? हाँ, और एक तरफ बोलते हो कि भैया वो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो तुम कमीने के कारण तो सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी कारण मसाला जो ना भारत में पेरेंट्स अपने लड़कियों को भेजते नहीं खेलने। अबे आर्मी या देश की टीम से खेलना ये एक ही टाइप की सेवा होती है। आर्मी मतलब क्या होता है? देश की सेवा करना, है ना, बॉर्डर पे करते हैं सुरक्षा की, है ना, सुरक्षा देते हैं देश को। तो वैसे ही जब कोई लड़की लड़का देश की टीम से खेलता है ना तो देश की सेवा करने के लिए खेलता है, ये नहीं बोलता कि मेरे को पैसे कमाना है। किसके मुंह से सुना है आपने मैं भारत की टीम से खेल के पैसे कमाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं आर्मी में जाके पैसे कमाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं आर्मी में जाके देश की सेवा करूंगा, मैं इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम, मैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम से देश से खेलूंगे, देश का गौरव बढ़ाऊंगा, है ना, मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगा, ये बोलते हैं। पैसे के लिए नहीं खेलने जाते साले, तुम्हारी वजह से। तुम तो ना कुछ खुद करोगे ना दूसरों को कर रहे हो, उसको भी नहीं करने दोगे, उसकी, है ना, अश्लीलता फैला रहे। अबे इतनी गर्मी है तुमको, इतनी गर्मी है तो जाओ बंदूक उठा के जरा जाओ जरा बॉर्डर पे, देखता हूँ तुम्हारी गर्मी में, मतलब एक पैसे का शर्म नहीं है भाई तुम लोग को। तुम क्या कमेंट कर रहे हो, किस जगह पे तुमको ऐसी ये नंगाईपंथी करना है? तो बॉलीवुड दिया तुमको, जाओ उसमें फैलाओ, हाँ टिकटॉक है उस पर फैलाओ, जो इंस्टाग्राम में रील्स है उसमें गंद फैलाओ ना, नंगा नाच करो वहां जाके। ये इंडियन फुटबॉल का वेरीफाइड पेज है, उस पर इंडिया की लड़कियां खेल रही है पूरा दिल मेहनत जान, उनको जितना था उतना तो खेल रही है। तुमको आता तुम चले जाओ आइसलैंड के खिलाफ खेलने, सारा 90 मिनट दौड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम कमेंट करते हो। अबे बुरा लगता है जब इंडियन फुटबॉल फैन कहते हो अपने आप को वहां मैच देखने आ रहे हो और ये हरकत करते हो तुम। हाँ, ये सिखाया गया तुम्हारी मम्मी ने कि ऐसे दूसरों की माँ बहनों को ऐसे बोलना है, और अपने आप को बड़ा देश का जागरूक नागरिक बोल रहे हो, और तुम्हारी वजह से ये, है ना, तो अपनी खुद की माँ को बोल सकते हो ऐसा? ये मेरी जो भी बात है ये उन्हीं लोगों, उन हराम जातों के लिए ही है जो ये टाइप की हरकतें करते हैं।
और ये इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के पेज पे आके अब ऐसी हरकतें कर सकते हैं, तो सोचिए इनकी निजी जिंदगी में, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या करते होंगे, इसका अंदाजा लगाइए। अबे तुमको इतनी मर्दानगी दिखाने का शौक है तो जाओ ना आर्मी में, जाओ ना उधर हिमालय पे चढ़ के दिखाओ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाओ, वहां पे झंडा गाड़ के आके आओ, बहुत मर्दानगी तुम्हारी। तो ये क्या कर रहे हो, ये कहां दिखा रहे हो, शर्म लहाज कुछ है, अपनी मर्यादा में रहो, है ना। तो ये इस टाइप के लोग हैं, और ये इस टाइप के लोग अपने आप को भारत का फुटबॉल फैन या फुटबॉल फैन कहते हैं। अबे कलंक हो तुम, कलंक है ना। कभी आईने में अपने आप को देख के सोचना कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। बेरोजगारी बढ़ा रहे हो देश में और कुछ नहीं कर रहे हो। भारत को आगे बढ़ाने में लड़कियों का लड़कों का दोनों का जब तक साथ में योगदान नहीं रहेगा ना, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। हमको भारत की महिला फुटबॉल टीम, भारत की पुरुष फुटबॉल टीम दोनों को वर्ल्ड कप तक पहुंचाना है, वो सपना है हमारा। ये नहीं है कि टांग खींचना है बस। अबे तुम क्रिटिसाइज करो उनके गेम खेलने पे, वो कैसे है, कैसे लग रहे है, कैसे क्या कर रहे है, ये क्या हुआ, तुम्हारी क्या औकात है बोलने की। अबे तुम्हारी औकात ये नहीं है, तुम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम में सिलेक्ट होने की औकात नहीं तुम्हारी, और तुम इंडिया टीम में जो खेल रही लड़की उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो। तो ऐसे जो लोग है ये कहीं आपको दिख जाए उनको वहीं तमाचे मारो, है ना। बात तो बाद में करना, पहले दो तमाचे मारना फिर पानी पूछना साले। अबे तकलीफ होती है और तुमको नहीं होती होगी, जो सच्चे होते हैं ना, जो दिल से भारतीय फुटबॉल टीम के लिए सोचते हैं उनको तकलीफ होती है, और मेरे को तो होती है। मेरे सामने तो ये कमीने ना आया ना तो मैं तो पी लूंगा सालों को। और तुम में दम हो ना तो जो तुम ये कमेंट्स करते हो कभी मुंह पे करके दिखाओ, कभी वो लड़की को जाके ये सब सामने बोल के दिखाओ, दम हो तुम्हें तो सारा नोबेल पुरस्कार दे दूंगा मैं तुमको, है ना। इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना तुम में बड़ा कमेंट्स करने का, बड़ा सोच के कमेंट्स करते होंगे कि लोग मेरी कमेंट्स लाइक करेंगे, लोग मेरे कमेंट वाई वाई करेंगे। सेम अपनी माँ को जाके बोलना जरा, कोई तुम्हारी माँ के लिए सेम कमेंट करेगा मजा आएगा, ऐसा बोलोगे कि अरे वाह क्या कमेंट करी भाई, हाँ मेरी माँ के लिए क्या कमेंट करी, मेरी बहन के लिए क्या कमेंट करी, वाह 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 वाह, है ना। इसको राइमिंग में करना जरा, ऐसे बोलोगे। अपने पे गुजरेगी, अपने घर पे बात आएगी तो नहीं, अपने मेरे घर पे बात आई तो कैसे भैया मैं तो मुंडी काट दूंगा, है ना। लेकिन दूसरों के इस पे बात है कि नहीं, दूसरों को तो मैं बिंदास बोल सकता हूँ। अबे तो जहां गंद फैलाना फैलाओ, ये नेशनल टीम है, वहां पे देश की सेवा करने गई है लड़कियां, समझ रहे हो, वहां नहीं बोलो, या फिर बोलो ही मत, चुपचाप फुटबॉल देखना भी छोड़ दो। तुम वैसे भी तुम्हारे देखने नहीं देखने से फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो सच्चे लोग हैं, सच्चे भारतीय भक्त है वो देख रहे हैं, है ना। यहाँ भारत के भक्तों की बात है, वो देखते हैं और वो सीखते हैं, समझते हैं, और वो मोटिवेट भी करते हैं, तुम्हारी तरह गंद नहीं फैलाते, है ना। जो फुटबॉल समझता है ना वो क्रिटिसाइज करता है या तारीफ करता है, ये फालतू की बकवास नहीं करता। तो ये मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो यहाँ से हरामी है, जो देश के नाम पे कलंक है, है ना। इनको तो साले बंगाल की खाड़ी में फेंक दो ऊपर से ले जाके, कुछ को अरब सागर में फेंक दो, कोई मतलब नहीं, इनका जीवन भी हराम है सालों का। तो देखिए हर तालाब में कुछ ऐसे रहते हैं, है ना, हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती है, ऐसे हरामी कीड़े होते हैं, तो उन कीड़ों को फेंकना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं इनके ऊपर बोल रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसे कोई जरूरत नहीं है सब फालतू चीजें बोलने की, लेकिन ऐसे कमीनों के लिए बोलना पड़ता है ना। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सब शांत रहेंगे तो फिर थोड़े ना काम चलेगा, शांति से कुछ नहीं होता भैया, है ना। शस्त्र शास्त्र दोनों की जरूरत पड़ती है, वो कहते हैं ना कि शास्त्र और शस्त्र दोनों चाहिए, तो ये कमीनों के लिए उनकी जरूरत भी पड़ती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो है ये कलंकित है ना, असामाजिक तत्व, इनको कहीं मिले आपको तो वहीं तमाचे मारना दो, है ना। आपके कभी कभी मिलते हैं ऐसे लोग जो कम है, ऐसे बोलते रहते हैं लड़की है क्या कर लेगी, उनको वहीं तो लगाना दो तमाचे सालों को। तो देखिए यार, मेरे को जब बुरा लगता है ना कोई चीज़ देख के तो तकलीफ होती है, तो तकलीफ में अपने जो सही अपनी यूट्यूब फैमिली है, जो सही लोग हैं, उनसे मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप भी अपनी बातें शेयर कीजिए, मतलब करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है भैया, तो बिल्कुल बिंदास। और ऐसे लोगों को तो भैया है ना, ये साले ये आतंकवादी है, यही लोग है आतंकवादी, तो वो ये बम फोड़ते, ये तो अपने शब्दों से बम फोड़ रहे ना, ठीक है। ऐसे लोग तो हर समाज में रहते हैं, हर देश में रहते हैं, और ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है और लात मार के आगे निकालना पड़ता है, कुचल के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इन कमीनों की वजह से हमारी टीम्स में, हमारी टीम्स के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और हमको भी भारतीय फुटबॉल टीम का वैसे ही सपोर्ट करते रहना जैसा हम करते हैं, और पॉजिटिव सोचना है ना। कई लोग कमेंट्स में मैंने देखा नेगेटिव बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं कि ये टीम हारेगी ही, ये टीम तो नहीं जीत सकती, और मैच में चलते चलते दूसरी टीम के सपोर्ट में बोलने लगे आते हैं। ऐसा नहीं करना है ना। देखिए अपना घर अपना ही होता है ना, अपने घर पे चाहे कितना ही कुछ हो, अपना घर तो अपना ही रहता है कि नहीं। तो जब
तो भारत भी तो घर है अपना, तो भारत को ऐसा घर समझिए। अब भारत को ये सोचेंगे कि नहीं एक बॉर्डर है, मेरा स्टेट ये है, मेरा जिला ये है, मेरा गांव ये है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। देखिए भारत अपना घर है, ठीक है, तो भारत की सुरक्षा, भारत को कहां से गर्व आप दिलवा सकते हो, इन चीज़ों के बारे में सोचिए, है कि नहीं। तो अच्छा सोचिए, तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, वही मैं हर बार बात बोलता हूँ आपको। तो आई होप कि आप समझोगे मेरी बात को, ठीक है। और ऐसे असामाजिक तत्व के लिए कुछ करिएगा आप भी, है ना, इनको जरा सिखाइएगा कि कैसे लड़कियों की इज्जत की जाती है और देश की इज्जत की जाती है। बस मैं यही चाहूँगा आपसे। और आप इस नेशनल टूर्नामेंट जो अंडर 17 का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। और जो भी आप वुमेंस फुटबॉल के लिए कहना चाहें या उनके डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ भी आपके दिमाग में कुछ भी सजेशंस, आइडिया, सुझाव, ओपिनियंस जो भी आती है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।